नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। भंडारी होजरी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड कंपनी ऑलरेडी अपना जो राइट इशू लाई है और ये ओपन हो चुका है। तो ये ओपन हुआ है 8 जुलाई 2024 को और क्लोज होगा 22 जुलाई 2024 को। तो जो भी एलिजिबल इन्वेस्टर हैं और वो इस राइट इशू के लिए एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो 22 जुलाई 2024 तक जो है वो एप्लीकेशन कर सकते हैं। राइट इशू का जो प्राइस रखा है वो 6 रुपए 26 पैसे का रखा है। तो जो भी एप्लीकेशन करेंगे उन्हें पर राइट शेयर 6 रुपए 26 पैसे पे करना होगा। तो इसके लिए आपको एज वा प्रोसेस के थ्रू एप्लीकेशन करनी होगी। अपनी इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करके वहां से एज वा प्रोसेस पर क्लिक करके आपको भंडारी होजरी एक्सपोर्ट्स का राइट इशू वहाँ शो करेगा और उस पर क्लिक करके सारी डिटेल भर के आप जो है अमाउंट पे करके एप्लीकेशन कर सकते हैं, जितने भी राइट शेयर्स के लिए आप एलिजिबल हैं। अब अगर आप एप्लीकेशन कर देते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण डेट्स हैं, जैसे कि अलॉटमेंट कब तक हो जाएगा। तो 26 जुलाई 2024 तक जो है अलॉटमेंट की एक्सपेक्टेड डेट है। क्रेडिट की जो एक्सपेक्टेड डेट है वो 31 जुलाई 2024 की है और जो लिस्टिंग की डेट है वो है 5 अगस्त 2024 की। अब देखिए, जैसे ही राइट इशू ओपन होता है तो जो है राइट एंटाइटलमेंट्स की ट्रेडिंग भी स्टार्ट हो जाती है। तो राइट एंटाइटलमेंट्स की ट्रेडिंग की जो लास्ट डेट है वो है 15 जुलाई 2024। जी हाँ, तो जो राइट एंटाइटलमेंट्स अभी ट्रेड कर रहे हैं वो 15 जुलाई तक ही ट्रेड करेंगे, यानी मंडे को जो है वो आखिरी दिन रहेगा राइट एंटाइटलमेंट्स की ट्रेडिंग का। तो जो भी इन्वेस्टर अगर वो अपने राइट एंटाइटलमेंट सेल करके जाना चाहते हैं तो 15 जुलाई तक का टाइम है, वो सेल कर सकते हैं। अगर किसी को एक्स्ट्रा राइट एंटाइटलमेंट खरीदना है तो वो 15 जुलाई तक खरीद सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप जिन्हें राइट एंटाइटलमेंट अलॉट हुए हैं वो अगर टोटली इग्नोर कर देंगे तो यहाँ पर कोई जो है फायदा होता देखते नहीं मिलता है। अगर आप एप्लीकेशन भी नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन रहता है कि जो भी प्राइस पे राइट एंटाइटलमेंट ट्रेड हो रहे हैं आप उन्हें सेल करके जा सकते हैं। ये एक ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होता है। अब देखिए, यहाँ पर जो स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस जो कि BSE पर अभी चल रहा है 7 रुपए 53 पैसे का, और जो राइट एंटाइटलमेंट ट्रेड कर रहे हैं वो लगभग 65 पैसे पर जो है ट्रेड कर रहे हैं। तो अब ये जो राइट एंटाइटलमेंट है, अगर हम इनकी एक फेयर वैल्यू निकालें तो जो इसका करंट मार्केट प्राइस है 7 रुपए 53 पैसे, उसमें से अगर हम इशू प्राइस 6 रुपए 26 पैसे निकालते हैं, माइनस करते हैं, तो 1 रुपए 27 पैसे पर जो है लगभग ये राइट एंटाइटलमेंट ट्रेड करने थे, मगर ये ट्रेड कर रहे हैं 65 पैसे पे। तो यानी लगभग लगभग 45 से 50% के डिस्काउंट पर ये ट्रेड कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सपोज अभी कोई 65 पैसे पर राइट एंटाइटलमेंट खरीदता है प्लस वो 6 रुपए 26 पैसे यहाँ पर जो है इशू प्राइस है वो पे करता है, तो उसे 6 रुपए 91 पैसे की कॉस्ट पड़ रही है एक शेयर की, जबकि अगर वो डायरेक्ट मार्केट से अभी शेयर खरीदता है तो 7 रुपए 53 पैसे की कॉस्ट पड़ती है। ये एक चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। बट क्योंकि राइट एंटाइटलमेंट्स की सप्लाई बहुत ज्यादा है इसीलिए ये जो है इतने डाउन पर जो है ट्रेड कर रहा है, डिस्काउंट के साथ यहाँ पर ट्रेड करते देखने को मिल रहा है। तो यही मैंने बताया कि अगर कोई राइट एंटाइटलमेंट सेल करके जाना चाहते हैं तो 15 जुलाई तक का टाइम है, वो सेल कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, 15 जुलाई के बाद, क्योंकि 15 जुलाई लास्ट टाइम है अगर आपको जो भी करना है। अब जिन्होंने सेकेंडरी मार्केट से राइट एंटाइटलमेंट खरीदे, यानी कि जो ट्रेडिंग हो रही थी शेयर राइट एंटाइटलमेंट्स की, वहां से अगर आपने जो राइट एंटाइटलमेंट्स खरीदे हैं तो ये मत समझिए कि जो भी प्राइस पे करके सपोज आपने 70 पैसे पर राइट एंटाइटलमेंट्स खरीदे हैं तो वो अब आपको राइट शेयर आ जाएंगे। वो सिर्फ राइट एंटाइटलमेंट्स हैं, उन्हें फिर आपको एप्लीकेशन करनी होगी एस्बा के थ्रू 6 रुपए 26 पैसे का जो इशू प्राइस है वो पे करके। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इशू क्लोजिंग डेट के बाद जो है राइट एंटाइटलमेंट्स लैप्स हो जाएंगे उनके भी जिन्होंने सेकेंडरी मार्केट से खरीदा है, और उनके भी जिन्होंने जो है जिन्हें अलॉटमेंट हुआ है, यानी कि वो रिकॉर्ड डेट तक शेयर होल्ड करे थे, जो भी एलिजिबल शेयर होल्डर थे और उन्हें राइट एंटाइटलमेंट्स अलॉट हुए हैं। तो अगर उन्हें आप इग्नोर कर देते हैं, एज इट इज रहने देते हैं, ना ही आप उन्हें सेल कर रहे हैं, रिनाउंस कर रहे हैं, और ना ही एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो जैसे ही इशू क्लोज होगा तो वो राइट एंटाइटलमेंट आपके अकाउंट से डेबिट कर दिए जाएंगे। ये चीज बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि जो स्पेशली इसमें जो फंसते हैं वो सेकेंडरी मार्केट से जो राइट एंटाइटलमेंट खरीद लेते हैं वो लोग फंसते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने जो है प्राइस पे कर दिया है और आप इन राइट एंटाइटलमेंट्स के बदले शेयर मिल जाएंगे। बट जो राइट एंटाइटलमेंट्स खरीदने में आपने अमाउंट पे किया है वो एज ए प्रीमियम किया है, अब आपको इशू प्राइस पे करके उन्हें एप्लीकेशन करना होता है। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। बहुत से रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर फंसते दिखते हैं और फिर मुझे कमेंट्स आते हैं कि हमारे राइट एंटाइटलमेंट्स अब देख नहीं रहे हैं, बट फिर बाद में कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है जैसे ही इशू क्लोज हो जाता है। तो आशा करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। प्लीज लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।